हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो पोस्ट कर दी है, जीएसटी की, जीएसटी क्या है, जीएसटी की 12 बड़ी बातें, जीएसटी के ऊपर जो 8 भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसके भी ऊपर, और जीएसटी में क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है। तो उन वीडियोस पे ज्यादातर जो मुझे कमेंट मिले हैं वो उनका कहना है लोगों का कि अगर हम छोटे व्यापारी हैं और हम बिजनेस करते हैं 20 लाख तक का कम का, तो क्या हमें जीएसटी लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो दो चीजें हैं। अगर आप अपने राज्य में, सपोज करो हरियाणा में रहते हो, आप हरियाणा से ही माल परचेज करते हो और हरियाणा में ही बेच रहे हो, तो 20 लाख तक का आपका साल का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यानी 1 महीने का 1 से 1.5 लाख तक की आपकी अगर सेल है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हरियाणा से, हरियाणा में रहते हो और नोएडा में माल सप्लाई करते हो, या फिर नोएडा में कोई रह रहा है और हरियाणा में माल भेज रहा है, तो वहां पे अगर आप 10 रुपए का भी लेन देन करते हो सामान का, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कंफ्यूजन दूर? नहीं दूर तो फिर दोबारा बताता हूं, अगर आप अपने स्टेट में काम करते हो 20 लाख तक का, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, बस इतना जान लो। दूसरा सवाल आता है कि अगर हम आज अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया, सेम वही रूल अप्लाई होगा। अगर अपने राज्य से कोई सामान खरीद के अपने राज्य में ही बेचते हैं तो 20 लाख तक के ऊपर छूट है, आपको नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही अपना किसी और राज्य में करते हैं आप काम, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इनवाइस कटेगा वो जीएसटीएन नंबर जो होता है, जीएसटी नंबर, उस पे ही कटेगा। तो अगर आप अदर स्टेट में करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। ठीक है जी, दोनों कंफ्यूजन दूर हो गए। जो नए बिजनेस ओनर्स हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो 20 लाख तक के कंफ्यूजन में थे उनके लिए भी ये चीजें हैं। अगर आप अदर स्टेट में बिजनेस करना चाहते हो तो 100% आपको लेना पड़ेगा। नए बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप, जैसे मान लो आपके गली में कोई किराने की दुकान होगी, तो मे बी उसके पास इतना टर्नओवर नहीं होगा तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर उसका टर्नओवर मतलब 20 लाख से पार कर जाता है, और ये भी बता दूं 20 लाख सिर्फ कई जैसे राज्यों में है, जैसे जम्मू कश्मीर में तो पास नहीं है, वहां पे 10 लाख की समय सीमा है, आपका उत्तराखंड में 10 लाख तक है, तो ऐसे 11 राज्य सरकार ने डिफाइन करे जहां पे ये सीमा 10 लाख के ऊपर अगर आप टर्नओवर है आपकी, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, ऐसे राज्यों में आपको 20 लाख तक की छूट दी गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किन्हें वो 20 लाख वाली कंफ्यूजन, और भी डिटेल में जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पोस्ट है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी आपका सजेशन, सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए, वन नेशन वन टैक्स। जय हिंद।